इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सिद्धायतन परिवार, सिद्धायतन मंदिर परिसर, श्री समृद्ध शिखरजी रोड, मधुबन, पोस्ट शिखरजी जिला गिरढ़ी, पिन कोड 825329 झारखंड। श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा जी, श्री अशोक जी, श्रीमती ममता जी, श्री आदित्य जी, श्रीमती रिद्धिमा जी, आकाश जी एवं विशाल जी सेठी कोलकाता, आदिनाथ मंदिर के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान निर्मल जी, पुष्पा जी बिंदाए का बगरू, जयपुर निवासी कोलकाता प्रवासी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण श्री 1008 भगवान आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में। झारखंड राज्य की सिद्ध भूमि श्री समेत शिखर जी के सिद्धायतन परिसर में परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं शिखर जी में विराजमान समस्त चतुर्विध संघ के सानिध्य में 5 फरवरी से 10 फरवरी तक चलने वाले इस भव्य पंचोत्सव के अंतर्गत आज मंदिर शुद्धि एवं भगवान के गर्भ कल्याणक की शुभ क्रियाएं पूर्ण की जा रही हैं। आइए दर्शकों, हम भी इस मांगलिक महोत्सव में सम्मिलित होकर पुण्य का संचय करें। द्रव द्रव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते भगवान की प्रथम कलशा से कम करो मैं स्वाहा। अर्घ लीजिएगा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कै चरु सुति पशु धूप फलाग कै नबल मंगल कांत नवा तुल्य जिन कहे जिन नाथ महम ये दे। ओम ब्रीम श्रीम कृम त्रिपते जलाभिषेकम करो मीन मार्गम दुर्लभामते। चार कोने के चार कलश लीजिएगा, जैसा मैंने नाम बताया था उस हिसाब से दो दो कलश ले लीजिएगा। इष्ट ही मनोरथ तैरव भव्य पुंस पूर्ण सुवर्ण कलश ही निखिल वसानई संसार सागर विलंगन हेतु सेतु मपला वही त्रुवन के पतिम जिनेन्द्रम। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ह्रीम अरम पम 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 सम तम तम पम पम यम यम ह्रीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते भगवान के चतुष्कोण कलशा भी सिंचामि नमः स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कह चरु सुति पशु धूप फलाग कह नबल मंगल कांत रवा तुल्य जिन ग्रहे अभिषेक महम यदि। ओम भगवान के चतुष्कोण कलश विसिंचामि नमः अर्घ्यम नृपामते। सुगंधित कलश लीजिएगा। द्रव्येन नल्प घन सार चतु समाद्यै रामोद भासद समस्त दिगंत रालै विश्रीकृतेन पयसाम जिन पुंगवानाम त्रैलोक्य पावन माम स्पनम करो मे। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ह्रीम अरम पम 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 सम दम पम 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 जम जम ह्रीम 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 त्राम त्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते भगवान के सुगंधित कलशा विसिंचामि नमः स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कह चरु सुति पशु धूप फलार्ग कह सबल मंगल कांत नवा तुल्य जिन कहे जिन नाथ महम यदि। ओम भगवान के सुगंधित कलशा विसिंचामि नमः अर्घ्यम नृपामते। नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते परस्थितंकराय द्वादश काल परिविष्टताल सुकृत धन पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धैर्य पणा मंडन मंडिया ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमोच तो संगोप सर्ग विनाशनाय घाती गर्भ नाशताय घाती गर्भ नाशताय अपवायम मृत्युम रतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्व दुष्ट भयम इंद्रायणी नीचे बैठ जाओ पीछे शूटिंग चालू है। सर्व भयम सर्व परमंत्रम सर्व शूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व धर्मारिम सर्व गजमारिम सर्व गोमारिम सर्व महिषमारिम सर्व धान्यमारिम सर्व वृक्षमारिम सर्व गुल्ममारिम सर्व पत्रमारिम सर्व पुष्पमारिम सर्व फलमारिम सर्व देशमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वेता साक्षिभयम सर्ववेदनीयम
सर्वमोहिनीयम् सर्वकर्माष्टकम् सुदर्शनराज चक्रविक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदम सर्वव्यानंदम सर्वगोकुलानंदम सर्वग्राम नगर केट करमट मट्टा पत्तन भोग संबानंदम सर्वलोकानंदम सर्वदेशानंदम सर्वयजमानंदम सर्वदुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वा यति शुकम त्रिशिलोकेशु व्याधि विषद वरजितम अव्ययम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विदेते श्योमस्तु कुलगोधन ध्यान्यम पद्म प्रवचन प्रभाष्पुज मल्लि वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सर्व नेमिनास पारसनतेभ्यनमाय इतने मंते न ग्रहणम संतुधारा भर्षणम ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रचिना से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सब पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रूप अपमृत्यु विनाशनाय सर्व पर कर चतुर्पत्र विनाशनाय सर्व छाम डावर विनाशनाय ओम राम रीम रूम ब्रह्म अरम अस्य उषा सर्व शांति तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा ओम रूम चुंपट कृटिम कृटिम गाता गाता प्रभुनाद स्फुट स्फुट शेष खंडनाद गुरु गुरु परमंत्राम छिंद छिंद परमंत्राम बिंद बिंद छाम छा बाबा हूं पट नम स्वाहा ओम रीम श्री शांतनाथ जिगेश शांतिग्रह सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम रीम रम नमो जराणम नमो हि जराणम नमो परमो जराणम नमो सबो हि जराणम नमो अनंतो हि जराणम नमो कोटि बुद्धिणम नमो बीज बुद्धिणम नमो पदानुसायणम नमो संबिन सोदराणम नमो संयम बुद्धाणम नमो पत्ते बुद्धाणम नमो भोई बुद्धाणम नमो जु मदीणम नमो बियोन मदीणम नमो दस बिबीणम नमो चौदस बिबीणम नमो अठांग महान मित कुसराणम नमो भोई डिपत्ताणम नमो विचाराणम नमो चारणाणम नमो पण समणाणम नमो आकाश गामणम नमो आसी विसाणम नमो डिटी विसाणम नमो गत्तवाणम नमो दित्तवाणम नमो तत्तवाणम नमो महत्तवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोर कुराणम नमो घोर परक्रमाणम नमो घोर बंबियाणम नमो आमो सी पत्ताणम नमो किलो सी पत्ताणम नमो जलो सी पत्ताणम नमो बिपो सी पत्ताणम नमो सबो सी पत्ताणम नमो मल बलियणम नमो बची बलियणम नमो काय बलियणम नमो खीर सवीणम नमो सपी सवीणम नमो मोहर सवीणम नमो अमे सवीणम नमो अखिल मानसाणम नमो बड्डमाणाणम नमो सिद्धाधाणम ओम रीम नमो वैभदो महादी महावीर बड्डमाण बुद्धिशीनम चेदि भवतु स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिः भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिः भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिः भगवज्जिनेन्द्रः अर्घ लीजिएगा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चिर सुदीप सुदूप फलार्ग के धवल मंगल गानेर वाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे ओम ब्रीम श्रीम क्लम त्रोपते जलाभिषेक शांति धारा करोमी अर्घम नृपामते जल पलयाटो सुचिसार ताको वर्ग करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष वरो चौबीसो सिर जिन चंद आनंद कंद सहि पद जजत अरत भवपन पावत मोक्ष मई ओम श्री वृषवादी महावीर चतुर्वी स्थितंकर जिनेन्द्र 151,557 151,557 151,557 दो ढाई पड़ती 99 और 151 175,500 आप लोग तालियां तो बजा लीजिए अनुमोदना कर लीजिए कि ऐसा सौभाग्य किसके हिस्से में आ रहा है। दौलत वाले बहुत हैं लेकिन सौभाग्य वाला कोई एक होगा। 175,000 बोले साहब अगर शिखर जी की पर पूरी परिक्रमा कर ली और पारसनाथ टोक को छोड़कर आगे तो वाले दो करें जी। तो फिगर 175 से आगे वाले दो करें जल्दी। जी हाँ तो वो संग सहित लाए हैं ले मोक्ष महल की आइए ताली के साथ वो संग सहित लाए हैं ले मोक्ष महल की जावे वो गुण पर प्रशंसा कर दी और क्योंकि राजेंद्र भैया कहते हैं कि धन कमाने के लिए भेजा चाहिए धन कमाने के लिए भेजा चाहिए लेकिन दान देने के लिए कलेजा चाहिए। और ऐसा कलेजा बोलिए साहब 175,000 1,25,499 और ये 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया है परम गुरु भक्त दानवीर श्रेष्ठी श्री पदम चंद जी जैन कमला जी जैन मनीषा जी कहां से गुड़गांव दिल्ली से हमारे बीच आए ये परम गुरु भक्त भाई साहब 125 किसका था 125 किनका था वही से शुरू करो तीसरी बोली लास्ट। हेलो जी सुनिए देखिए एक छोटी सी सूचना है 9:30 बजे संघ की आहारचर्या का समय निर्धारित है इसलिए हम पहले पूज्य शिलक श्री सहज सागर जी के श्री चरणों की वंदना करेंगे आचार्य भगवान यहीं रहेंगे हम
पूज्य शुल्लक श्री के मंगल उद्वेश उद्बोधन के बाद पूज्य आचार्य श्री गुणभद्र नंदी महाराज के उद्बोधन के बाद आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन शास्त्र भेंट और फिर आचार्य श्री का मंगल प्रवचन हम यहीं से सुनेंगे। आचार्य श्री यहीं विराजमान है लेकिन पूरे संघ की आहारचर्या का चुकी समय है, दो पात्र हमको मिल चुके हैं और एक और पात्र हमारे पास थे उतने ही राशि में, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सौभाग्य खुद। 125 सौभाग्य खुद आया। नाम बताएं, परम गुरु भक्त दानवीर श्रेष्ठ श्री अशोक सुषमा जी पांड्या दिल्ली दिलवालों की गिरडी। ओके गिरडी वालों ने, इसी क्षेत्र के रहने वालों ने। आप लोग तालियां नहीं बजाते क्या? तालियां बजाकर अभिनंदन। माइक वाले भैया पूज्य शुल्लक जी के पास माइक सिस्टम लगा दें। हम चलते हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़िएगा, अपने मुख को गुरु की तरफ कीजिएगा, गुरुदेव की तरफ कीजिएगा। हम चलते हैं बड़े आनंद के साथ और पाद प्रक्षालन में पहला सौभाग्य अभिषेक जी सेठी ने प्राप्त किया है, जिनकी आज शादी की 25वीं वर्षगांठ है। लेकिन पाद प्रक्षालन हम अभी कुछ देर के बाद करेंगे। अभी मैं बहुत सम्मान के साथ दोनों हाथों को जोड़ करके पूज्य शुल्लक श्री सहज सागर जी के चरणों की वंदना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। आई माइक वाले भैया, हाँ जी, चलते हैं बड़े आनंद के साथ हम और आप सब लोग आज की इस अभूतपूर्व यात्रा को पूज्य पाद के श्री चरणों की वंदना के साथ आगे बढ़ते हैं। और तो संयम दर्पण झलक रहा और ज्ञान का सागर उमड़ रहा, अरे सत संयम हो ऐसे जैसे सागर हो भरपूर। मेरे गुरुदेव तुम सारे जग के। चलते हैं मंच पर सरस्वती पुत्र के रूप में परम वंदनीय शुल्लक श्री सहज सागर जी महाराज विराजमान हैं। हम उनके चरणों की वंदना करते हैं, उनके चरणों में इक्षामी निवेदित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अपनी मंगलमयी देशना से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य शुल्लक श्री सहज सागर जी महाराज, उधर जो लोग बैठे हैं वे थोड़ा सा टर्न कर लें अपने आप को। हाँ जी, कर्माष्टक विनर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक ताद गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्य। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। अर्चत पार्श्व जिनेश के संकट सब कट जाए, जैसे रवि के उदय से तिमिर सघन फट जाए। तरण वीत रागी गुरु तारो मुझे ऋषीश, करुणा कर करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय है कर जोड़, पग पग पल पल बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। देवादेव पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव आदिनाथ भगवान की, जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, मम परम गुरु आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की। पाषाण को पूज्य बनाने वाला पंच कल्याणक कार्यक्रम चल रहा है। सारे कल्याणक के दिन तो एक एक दिन, जन्म कल्याणक एक दिन की दो दिन, एक दिन तप कल्याणक एक दिन, ज्ञान कल्याणक एक दिन, मोक्ष कल्याणक और गर्भ कल्याणक दो दिन। कभी चिंतन किया इस बात पे, सारे कल्याणक तो एक एक दिन लेकिन गर्भ कल्याणक दो दिन। प्रारंभ शुरू हो जाए तो सारा अच्छा अच्छा हो जाएगा,
गर्भ के संस्कार हैं तो हैं, गर्भ कल्याणक दो दिन इसलिए कर दिया, अभी तो तीर्थंकर का जीव गर्भ में आया ही नहीं, छह महीने पहले से ही क्रियाएं शुरू प्रारंभ हो गई, छह महीने पहले से, इसलिए गर्भ कल्याणक का पूर्व रूप और गर्भ कल्याणक का उत्तर रूप, जीव के गर्भ में आने से पूर्व की क्रियाएं और जीव के गर्भ में आने के बाद की क्रियाएं, फर्क केवल इतना है, जैसा आप लोग सीरियल देखते हो, बस देखते हो, अच्छा नहीं सीखते, बुरा ज्यादा सीखते, बुरा, ईमानदारी से कह रहा हूं, हर सीरियल से आप बुरा ज्यादा सीखते, अच्छा अक्षरा को बहुत देख रहे आपने, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो कह अच्छा क्या सीखा, नहीं सीखा, अच्छा अपन यहां भी पंच कल्याण देखते हैं लेकिन उससे कुछ सीखना नहीं चाहते, अनेक पंच कल्याण इतने सालों से जीवन में देख लिए, अनेक पात्र भी बने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा जीवन, क्यों अपन केवल देख रहे हैं एक पिक्चर की बात, थोड़ा बस मन बदल जाए, कुछ हो जाए, आचार्य कहते हैं सबसे पहले इस बात को सीखने की आवश्यकता है, जन्म तब सुधरेगा, दीक्षा तब आएगी, केवल ज्ञान तब होगा, मोक्ष तब होगा जब पहले गर्भ सुधर जाए, सुधर जाए, ये आष्टाठ देवियां भेज रहे छह महीने पहले से माता की सेवा करो, माता को कोई कष्ट न हो जाए, माता की विचारों में कहीं परिणति नहीं आ जाए, माँ माता को कहीं क्रोध ना आ जाए, माता को कोई परेशानी नहीं हो जाए, जैसे वह माता की सेवा अष्ट देवियां कर रही हैं, एक बार ध्यान रख लेना, अभी आज रात को दिखाएंगे कितने सपने देखती है माता, 16 सपने, हर तीर्थंकर की माता देखती है, 16 सपने के नाम मालूम है, थोड़े बहुत मालूम, 16 याद नहीं, देखते देखते बहुत बार 16 देखे लेकिन अभी 16 सपने के नाम ही याद नहीं, आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने सपने के बारे में भद्रबाहु संहिता में बहुत अच्छा विवेचन किया। अच्छा एक प्रश्न कर लूं, आप सबसे पास बैठी हो, 16 सपनों में से आज तक कभी कोई सपना आपने सपने में देखा, चिंतन करो, जब ये 16 सपने रात में बैठ के देखो, उन 16 सपनों को देख के अपने जीवन में ऐसे संस्कार बहाने की भावना बहाना, मैंने कभी इन 16 सपनों में से एक भी स्वप्न अपने जीवन में देखा, अमिताभ बच्चन दिखते, ऐश्वर्या राय दिखती, करिश्मा कपूर दिखती, विराट कोहली दिखते, जिसकी जिसमें रुचि हो उसे सपने में वो दिखता, और कोई दूसरा कुछ नहीं दिखता, क्यों अपन की दृष्टि नहीं, अपन जब सोते, अच्छा ईमानदारी से देखो अपने बेडरूम के सामने क्या लगाया, टीवी, अपने बेडरूम के सामने टीवी लगा है और टीवी का रिमोट पलंग पे, पलंग पे, और अब तो एक मोबाइल और आ गया, बड़ा अजीब लगता है, हमारे साथ भी होता, मैं इधर मुंह किए मोबाइल चला रहा, पत्नी उधर मुंह किए मोबाइल चला रही, दोनों के मुंह अलग अलग, उसे इससे नहीं मजा, उसे इससे नहीं मजा, और बीच में रिमोट आ गया, जब तक देखते रहे देखते रहे देखते रहे, जब बिल्कुल नींद आने लगी उठने की, रिमोट से टीवी उठाओ और बंद कर दो, सपने काय के आएंगे, जो उसमें देख रहे थे उसी के सपने आएंगे, और जब सपने उसी के आएंगे तो गर्भ में आएगा उस पर संस्कार भी बहुत वैसे पड़ेंगे। मुझे बहुत आश्चर्य आता, मुझे मोबाइल के बहुत सिस्टम नहीं आते, नहीं आते, सीख ही नहीं पाया, मेरे लड़के को मुझसे ज्यादा आते, मेरे नाती को उससे ज्यादा आते, और आजकल तो देखो वो छोटा छोटा बच्चा 6 महीने का भी खेल रहा हो, मुझे एक दिन भाई साहब बड़ा आश्चर्य लगा, ये जरा जरा से बच्चे मोबाइल चलाना सीख गए, मैं 70 साल में मोबाइल चलाना नहीं सीख पाया, फिर सोच रहा था ये संस्कार आ कहां से गए, तब एक दिन याद आ गया, अभिमन्यु की बात याद में आ गई, जब चक्रव्यूह की महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह की रचना हो गई, अभिमन्यु ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मैं चक्रव्यूह को भेदना तो जानता हूं लेकिन चक्रव्यूह से निकलना नहीं चाहता, मैं चक्रव्यूह का भेदन तो कर लूंगा, निकाल आप लेना, युद्ध में जीत अपनी हो जाएगी। युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य हुआ, भीम को बहुत आश्चर्य हुआ, अर्जुन नकुल सहदेव को बहुत आश्चर्य हुआ, जिस प्रक्रिया को हमने नहीं जान पाया, ये जरा सा बालक कह रहा है कि चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता मुझको आती है, कैसे आ गई, पूछा तो कहा, एक दिन जब
पत्नी सो रही थी, अर्जुन आके बैठ के सुना रहे थे, उसे संस्कार सुना रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह की रचना होती है, कैसे चक्रव्यूह को भेजा जाता है। सुनते सुनते पत्नी सो गई, तो जहां तक चक्रव्यूह को भेजने की कथा थी उतनी तो सुन ली। उसके बाद पत्नी सो गई तो गर्भ के जीव ने चक्रव्यूह से निकलने के संस्कार सीख नहीं पाए, नहीं सीख पाए तो भेजने की कला तो आती है लेकिन निकलने की कला नहीं आती। आप जो ये 24 घंटे मोबाइल चलाती रहती हो ना, गर्भ में 6 महीने से पूर्व काम शुरू हो गया और गर्भ में 9 महीने तक 15 महीने जो आप निरंतर मोबाइल 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 मोबाइल, वो गर्भ का बच्चा भी अभिमन्यु की तरह पूरा मोबाइल वहीं सीख जाता है, पूरा सीख जाता है। आपके परिणाम मैं इसीलिए बराबर कर रहा हूं, इनसे बहुत सीखने की आवश्यकता है। अगर ये 2 दिन अपने जीवन में उतर गए, अगर इन 2 संस्कारों से अपने जीवन में शिक्षा ले लिया, भविष्य अच्छा चाहते हो, अपना भविष्य और समाज का भविष्य और धर्म का भविष्य अगर तीना अच्छा चाहते हो तो अपने गर्भ को अच्छे संस्कार दो। मैं बहुत से देखता हूँ छोटे बच्चे आते हैं, ये माँ जी कहती महाराज जी के पैर छुओ, महाराज जी के पैर छुओ। जब वो गर्भ में था तब आपने अपने अगर सास ससुर के पैर नहीं छुए तो आपका बच्चा कहने के बाद भी महाराज के पैर नहीं छुएगा। विश्वास दिलाना विश्वास कर, अगर आप चाहते हो कि आपका छोटा सा बच्चा आचार महाराज माता जी के पैर छुए तो आप आज संकल्प कर लेना, जब तक कोई जीव मेरे गर्भ में है मैं अपने सास ससुर के, मैं अपने पूज्य जनों के रोज पैर छुऊंगी। तो आपको बच्चे से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बच्चा अपने आप आंख देख के अपने महाराज के पैर छुए। इसलिए आज संकल्प करके जाना, जिस दिन कोई जीव गर्भ में आ जाएगा उस दिन से मुझे अपनी क्रिया बदलने की आवश्यकता है। जैसे वो अष्ट देवियां माता के साथ धर्म की चर्चा करती हैं, आप अपने परिवारजनों के साथ बैठ के जरा स्वाध्याय करना कि कैसे मेरे बच्चे पे संस्कार अच्छे पड़े। एक बहुत काम करते हो, जब इतना माल देते हो विदा के समय बहुत ज्यादा, तो उसमें थोड़ा और ऐड कर लो, करोड़ों अरबों का माल देते हो उसमें 4-5 चीजें जोड़ लो, जब बेटी की विदा हो एक शास्त्र जरूर दे देना, एक बेटी की विदा हो तो एक अष्टद्रव्य की डिब्बी बढ़िया सी अच्छी और दे देना। ये तो सब कहते हैं और मैं आज एक उसमें और जोड़ रहा हूं, एक ऐसा फ्रेम बनवाओ सौधर्मेंद्र जी जिसमें 16 स्वप्न बड़े अच्छे ढंग से अंकित हों, और बेटी को देना जब कोई जीव गर्भ में आए तो अपने बेटे अपने बेड के सामने 16 स्वप्नों के चित्रों को टांग कर रोज एक बार देख लेना। मैं विश्वास दिलाता हूं कोई विद्याधर जैसा जीव आपके गर्भ में आएगा, कोई पप्पू जैसा जीव आपके गर्भ में आएगा, आएगा विश्वास रखो आएगा, लेकिन बुलाने की कला चाहिए, बुलाने की तरकीब चाहिए। इसलिए इतनी आवश्यकता थी आचार्यों को वर्णित करने की, तीर्थंकरों को कहने की कि अगर संस्कार नहीं अच्छे, एक बार अगर अच्छा संस्कार जीव में गर्भ में आ गया आपका कुल सुधर जाएगा, आपका परिवार सुधर जाएगा, और उन्हीं में से कोई बच्चा कोई मुनि बनेगा, कोई आचार्य बनेगा, कोई आहार देने वाला बनेगा, और एक दिन उन्हीं में से कोई तीर्थंकर बनने वाला है। आप में और किसी में से नहीं बनने वाला, आप में से ही बनने वाला है। आचार्यश्री की मैंने जीवनी सुनी थी एक बार, जब विद्याधर जी को उनकी माता के घर में आए, उनके भाव हुए हम 1008 कमल पत्रों से भगवान की पूजा करें। सतलगा में व्यवस्था की अपने पति से कहा, उन्होंने संस्कार करके पुष्पों की चर्चा की। लोग कहते पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, आचार्य विद्यासागर की माँ स्वप्न देख रही है मैं 1008 कमल पत्रों से भगवान की पूजा करूं, और उन्होंने पुष्प मंगाए और पूजन की व्यवस्था की। ऐसा शुभ संस्कार देखा तो आज विद्यासागर जैसा मौजूद है। और आप क्या सोचते हो, आप तो बच्चे घर में आ गया, चलो जी आज ने कोई बढ़िया सी पिक्चर देखी है, मन पिक्चर देखने का कर रहा है, मन किसी कैफेटेरिया में जाने का मन कर रहा है, मन किसी अच्छे मॉल में खाना खाने का मन कर रहा है, जैसा आपका मन कर रहा है। आप अगर कैफेटेरिया के मॉल में खाओगी फिर आप बच्चे से कहो कि आलू नहीं खाना, पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चे की जिंदगी सुधारनी है आप 9 महीने के लिए अपनी जिंदगी सुधार लेना, मैं विश्वास दिलाता हूं कि बच्चे की जिंदगी और आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो आज गर्भ कल्याणक का दिन है, समय थोड़ा है, हम भी आचार्यश्री के मुख से सुनना चाहते हैं, लेकिन इतनी प्रेरणा लेके इतना संबल लेके अगर इस पंच कल्याणक में बैठे हो, एक मैं कहता नहीं हूं लेकिन मेरे सामने से आ जाए, छुपता नहीं हूं, मेरे भैया जी हमारे सामने बैठे हैं, आज एक संकल्प करके जाना किसी पूजा विधान में बैठो काले कपड़े पहन के मत बैठना। स्पष्ट नियम,
जो हाथ में छिद्र हो जाए, पानी भर लो और जरा सी एक बूंद हो, धीरे धीरे पुण्य टपक जाता है। ये जरा जरा सी ड्रेस का कोड, जरा जरा कमिटमेंट पूजा में बैठने की ड्रेस नहीं है। आप सामने बैठ गए क्षमा याचना के साथ, लेकिन सिखाना मेरा कर्तव्य, अगर नहीं सिखाऊंगा तो कल भी आप ऐसे बैठो। कल से पूजा में बैठो, धोती दुपट्टा पहन के बैठना, नहीं तो पीछे बैठना। इतना तो संस्कार, ये संस्कार आपका बेटा है। हाँ, आप नहीं सिखा पाए इसलिए मैं आपका उत्तरदायित्व पूरा कर रहा, लेकिन आज सिखा दिया, अन्य से ध्यान रखना। तुम अपने दूसरे भाई बहनों को सिखा, नहीं पूजा की ड्रेस धोती दुपट्टा ही है। ऐसे संस्कार हम सब में पड़े। आज के इस गर्व कल्याणक के दिन हम सब ऐसी कामना करें, हे भगवान हमारे जीवन में भी ऐसा दिन आए जब हमारा गर्व में जन्म लेने का अंतिम समय है। अंतिम समय, घर पाप का स्थान है, ध्यान रखना। 90% घर में पाप, 10% घर में पुण्य। शत आवश्यक कर लो तो पुण्य, नहीं तो 90% पाप। अपनी कह रहा हूं, आपकी नहीं कह रहा, मैंने खूब रहकर देख लिया। पाप नहीं, घर छुटता नहीं पाप, वासनाएं नहीं छुटती, इंद्रियों के भोग नहीं छुटते, खाना पीना नहीं छुटता, घर में रहकर नहीं छुटता, विश्वास रखना। अगर कोई कहे हम घर में रहकर पाप छोड़ देते हैं, हम कहते इससे बड़ी मायाचारी कोई नहीं। स्वीकार करो घर में पाप है, पुण्य का स्थान ये है। यहाँ 90% पुण्य और 10% पाप। मैं तो बड़ी अनुकंपा समझता हूँ अपनी गुरु का, जाने कैसी अनुकंपा। आपने पारस पत्थर का नाम सुना होगा, मैंने तो पारस पत्थर देखा है। ये पारस पत्थर सामने बैठा है, उस पारस पत्थर में तो जंगल लगे हुए लोहे को स्वर्ण बनाने की क्षमता नहीं है, लेकिन इस पारस पत्थर में तो पापी को पतित बनाने की क्षमता है। ऐसी क्षमता है, साक्षात पारस पत्थर मौजूद है। एक बार उनके चरण स्पर्श करके अपने जीवन की परिणति, तो वहां 90% पाप था, 6 दिन पहले पापी पाप था, 6 दिन में उस पारस पत्थर ने ऐसा जीवन बदल लिया कि अब 10% ही पाप रह गया, 90% पुण्य हो गया। बस जीवन को इतना ही बदलना है और कुछ नहीं बदलना। हम सब कामना करते हैं ये पंच कल्याणक हम सबके भावों को, हम सबकी प्रक्रिया को, हम सबके वैचारिक चिंतन को परिवर्तित करने में सहायक हो सके, और आप सबके लिए ये ऐसा पंच कल्याणक बने जो आपको याद रहे। मेरे लिए वो पिछला पंच कल्याणक याद बन गया, याद रहेगा शिखर जी के वो पंच कल्याणक ने मेरी परिणति बदल दी। और मैं तो चाहता हूँ आप सब जी भी कोई ऐसा पुरुषार्थ करो कि आपको भी याद रहे कि सिद्धायतन में होने वाले इस पंच कल्याणक ने मुझे भी सिद्ध के मार्ग पर लगा दिया। इससे बड़ी उपलब्धि कोई और हो नहीं सकती। बहुत बहुत आभारी हूँ अपने मनोयोग के सुना, पूज्य गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निश्चित पूज्य सहज सागर जी महाराज ने कहा कि सारे कल्याणक एक दिन, लेकिन गर्भ कल्याणक 2 दिन। सिर्फ इसलिए क्योंकि संस्कारों की थाती वहीं से जीवन में उतरती है कि एक सामान्य सा व्यक्ति महामानव कैसे बनता है, मात्र संस्कारों की फलश्रुति के कारण। और एक जन्म के नहीं, न जाने कितने जन्मों के संस्कार उस जीव को पाषाण से परमात्मा की यात्रा का बिंदु बनाते हैं। चलते हैं बहुत श्रद्धा के साथ मंच के इस विराट अस्तित्व को छू रहे पूज्य आचार्य भगवान श्री गुणभद्र नंदी महाराज के श्री चरणों की वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि यह गर्भ कल्याणक हम सबके गर्भ के कल्याणक का कारण बने, हम सबके कल्याण का कारण बने। इन मंगल भावनाओं के साथ पूज्य माइक वाले भैया पूज्य महाराज जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करते हैं कि अपनी मंगल देशना से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्व धर्मानां
जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। जब बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, जब बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चौबीसो तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री गुणनंदी जी महाराज की, अंतर मन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, माँ जिनवानी माता की, जैन धर्म की, संत समागम, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। संसार में दो चीज बहुत दुर्लभ है, एक तो प्रभु दर्शन, दूसरा साधु संगति। साधु संगति जो एक बार ऐसी साधु के सानिध्य में आ जाता है उसके भव भव के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही अंतर्मन आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी जो यहाँ आपके इस पंच कल्याणक में कराने के लिए उपस्थित हुए हैं, अपना बहुत भाग्य बहुत पुण्य है कि ऐसे साधु के सानिध्य में पंच कल्याणक होने जा रहा है। महान तपस्वी आज अभी उन्होंने 557 दिन की अखंड साधना, जिन्हें पहाड़ के ऊपर रहकर ये साधना की, मौन साधना बड़ा दुर्लभ है। अपन एक दिन मौन नहीं रह सकते, एक घंटा नहीं रह सकते हैं, तो इनने 557 दिन की अखंड साधना मौन साधना में की, ये सामान्य बात नहीं है। और उसमें अपन सोचते कि भाई साधना निर्विघ्न संपन्न हो गई, इनमें क्या विघ्न नहीं आया होगा, कई विघ्न आए, उनको उनने समता के साथ सहन किया। कई बार बिजली गिरी वहां ऊपर में, 7 बार, कम से कम 7 बार बिजली गिरी, वहां बैठे बैठे पास में भी बिजली गिरी पर उनको कुछ नहीं हुआ। फिर भी ये नहीं कि भाई चलो ऊपर नीचे चले जाए, नहीं, ऊपर ही साधना किए। कई बार एक बार तो बहुत स्वास्थ्य भी खराब हो गया, यानी यहां तक कि कोई गारंटी नहीं, डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि पल्स नहीं, बीपी नहीं, सब नॉर्मल एकदम ये हो गया। फिर भी उनके साधना मनोबल इतना था कि वो आज यहाँ बैठे हैं। ऐसे आचार्य गुरु हमें लोग कहते हैं कि इनका इतना प्रेम कैसे, इतना सानिध्य हमारा, देखो आचार्य प्रसन्न अंतर्मना प्रसन्न साहब महाराज जी और हमारा संबंध, लोग बोलते हैं इनका संबंध इतना कैसा घनिष्ठ है, कैसे अपने पास इतना रख रहे हैं इनको, कोई साधु दूसरे साधु को रखता नहीं है जल्दी से। बाकी इनका इतना वात्सल्य, इतना प्रेम है। आज से 2008 की बात है जब हमारे आचार्य श्री गुणनंदी जी महाराज की समाधि हो गई 2008 में, बहुत छोटी उम्र में उनकी समाधि हो गई, 38 साल के अंदर में उनकी समाधि हो गई थी। उसी पीरियड में अंतर्मन आचार्य प्रसन्न सागर, जब प्रसन्न आचार्य नहीं थे, अंतर्मन प्रसन्न सागर महाराज जी उस इचलगंज में प्रवेश किए, तब हम प्रथम बार इनके दर्शन किए। उस समय हम उनको लेने के लिए गए संगपुरा था, हम उस समय ब्रह्मचारी थे, हमारी माता जी लोग उस समय थी, तो हम जब गए उनको लेने के लिए, जब दर्शन किए तब महाराज जी ने हमें माता जी के दर्शन आशीर्वाद देकर, जब उनको मालूम पड़ा कि इनके महाराज गुरु की समाधि हो गई, तब उन माता जी जब समय बहुत कम उम्र थी, यानी समय यानी 3-4 साल दीक्षा को हुए थे सिर्फ, तो महाराज जी को देखकर उनके ऊपर ऐसा कि ऐसे साधु कहाँ जाएंगे, कैसे क्या होगा, इनका कौन देखेगा, अब जो मेन रहता वही चले गया, तो अब कैसे क्या इनका ये होगा। उस समय महाराज जी ने जो मनोबल दिया, जो साहस दिया हम लोगों को, तो आज भी वो प्रशंसनीय है। उनने ये बस इतना ही कहा कि आप कभी भी कोई भी चीज की कोई टेंशन नहीं लेना, कभी भी कोई चीज की जरूरत हो, आवश्यकता हो, हमें याद करना, आपका कार्य की सब वही कार्य की सिद्धि हो जाएगी। और उनने उस समय भी हमें मौली टीका वो बेचते थे, और भी कई सामान वो थैला भर भर के भिजवाते थे, जिससे प्रवाह ना करो और प्रवाह ना करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो इनकी सिद्धि प्रवाह ना, जैसे आज कर्नाटक महाराष्ट्र में हम लोग रहे,
कोल्हापुर साइड में एचलगरन जी, उस समय माताजी लोगों ने अच्छी प्रभावना, गुरु का आशीष से इतनी अच्छी प्रभावना हुई कि आज सब जगह उनका उधर उस एरिया में अच्छा नाम है वो गुरु। और यहाँ पर आने का भी श्रेय पूरा आचार्य गुण आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी को ही हमारा जाता है। हम यहाँ पे आए इन्हीं के इससे आए, इन्हीं ने हमें आमंत्रण किया था कि आप लोग भी आओ यहाँ पे रहो हमारे साथ में सब ये रहो। तो हमने आने के बाद आज हमारा इतना पुण्य जगह इनके इससे कि हम आज ऊपर पहाड़ पे जब महाराज जी से निवेदन किया महाराज जी हमको वंदना करनी है तो 108 वंदना करनी है करके से भावना भाए, तो महाराज जी ने आशीर्वाद की करो बहुत जरूर जरूर करो आपकी पूरी वंदना अच्छे से हो जाएगी। इनके सानिध्य से हम लोगों ने सब माता जी और हम लोगों ने करीबन 125 के ऊपर वंदना की है अभी आने के बाद, और इन्हीं के आशीर्वाद से हमारी भावना थी कि ऊपर शिवचक्र विधान करें तो महाराज जी के आशीर्वाद बोले, महाराज जी बोले ठीक है आप लोग करो हो जाएगा। तो महाराज जी ने ऊपर में सूर्य पूरी व्यवस्था की पहाड़ पर ही, तो हम लोग 19 दिन रहे, 19 दिन में हम लोग 34 शिवचक्र विधान किए ऊपर में ही। इस गुरु का पूरा आशीर्वाद प्रेरणा, तो ये उनका इतना उपकार है हम लोगों पर कि आज यहाँ आए रहे, यहाँ पूरी व्यवस्था उनने आज 10 महीने से हम लोग यहाँ पे है, पूरी व्यवस्था आचार्य श्री ने संभाले, इनका बहुत उपकार है। यही उपकार हमारा जन्म जन्म में रहे बस यही भावना बात है। बोलो आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य भगवान श्री गुणभद्र नंदी जी मुनि महाराज की। संघ की आहारचर्या का समय है, संपूर्ण संघ आहारचर्या के लिए यहाँ से प्रस्थान करेगा और आचार्य भगवान के साथ हम और आप सब चलेंगे। चलते हैं बड़े आनंद के साथ हम और आप सब। वो मंगल घड़ी, वो मंगल अवसर, वो मंगल पल आया है जब आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन की दिव्य यात्रा को हम यहां से पूरा करेंगे। आज भाई अभिषेक जी सेठी की 25वीं शादी की वर्षगांठ है और उस स्वर्णिम अवसर पर उन्होंने पूज्यपाद के प्रथम पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य प्राप्त किया है। मैं अभिषेक जी को आवाज लगा रहा हूँ कि सपत्नी का करके गुरुदेव के पाद प्रक्षालन की दिव्य यात्रा को पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दूसरे सौभाग्य को जिन्होंने प्राप्त किया है वो गुड़गांव परिवार हमारे बीच में है, वे भी तैयार रहेंगे। और तीसरा सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है गिरिडीह से हमारे बीच में पांड्या परिवार, मैं उनको भी बहुत सम्मान के साथ आवाज लगाऊंगा। क्रमशः हम सब आकर के पूज्य पाठ के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इस बीच जब तक हम पाद प्रक्षालन की दिव्य यात्रा को आगे लेकर के चलते हैं, मैं राजेंद्र जी को आवाज लगा रहा हूं कि आएंगे और पूज्य पाठ के श्री कर पल्लवों में पवित्र सुहस्त कमलों में शास्त्र दान का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली होगा जो प्राप्त करेगा उसका चुनाव कुछ ही पल में हम यहाँ पर करके सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और आइए परम पूज्य गुरु श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का महासौभाग्य। कौंडेश ग्वाला ने शास्त्र भेंट किया, आचार्य कुंद देव बने, ग्वाला ग्वाला आचार्य कुंद देव बने। आज हम भी ऐसे महातपस्वी को शास्त्र भेंट करके अपना जीवन सफल करेंगे। कौन सौभाग्यशाली है जो शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? आइए कहां से शुरू करो बोली शास्त्र भेंट के लिए। जो संयम पथ को अभिषेक जी भूमिका जी जिन्होंने जिनकी आज रजत एनिवर्सरी है, आज 25वीं शादी की सालगिरह है, आवाज लगा रहे हैं कि वे अपने परिवार के साथ आकर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, ऐसा करो जतन ऐसा करो जतन ऐसा करो जतन शास्त्र भेंट करने का यह अवसर 21,557 कुछ क्षण है मात्र, टाइम नहीं है, 21,557 शास्त्र भेंट करने का महासौभाग्य,
21,557। इधर से महानुभाव, नीचे से कोई वंचित न रह जाए। 21,557 शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य। तुम गुरु करुणा के सागर, ज्ञान से भर मेरी गागर, एक बूंद से भर जाए इतनी छोटी सी गागर। ऐसा करो जतन, ऐसा करो जतन, ऐसा करो जतन कि मेरे भाग जग गए। आइए, समय कम है। छुए चरण के मेरे भाग जग गए। 21,557 31,557 31,557 हाँ जी, 31,557 41,557 एक दो ढाई पौड़ी तीन निन्यानो 41,557 51,557 श्रीमान पदम कुमार जी 55,557 55,557 बोलिए साहब, ये अवसर है, ये अवसर है, पुण्य के अवसर हैं और जिनवाणी भेंट करने का, और ऐसे तपस्वी संत के संघ के। पदम कुमार जी, कमला जी जिन गुड़गांव परिवार द्वितीय पाद प्रक्षालन करता परिवार के रूप में पहुंच रहे हैं, और ये सौभाग्य न्यूजीलैंड में उनकी बेटी रहती है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी बेटी ने न्यूजीलैंड से अपनी मम्मी से कहा कि आज आप मेरी तरफ से, पल्लवी ने न्यूजीलैंड से कमला जी से कहा कि आज आप मेरी तरफ से पूज्यपाद का मंगल पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसे पदम कुमार जी, कमला जी जैन आ रहे हैं पाद प्रक्षालन की दिव्य यात्रा को पूरा करने। बोलिए साहब, 61,557 61,557 उधर हो गए। 71 करो, पांच पांच क्या बढ़ना है, हाँ, बढ़ना ही है। 71,557 तुम गुरु करुणा के सागर, ज्ञान से भरो मेरी गागर। 71,000 देखिए, भाग्य अपना भी आजमाइए। देखिए आंटी जी, समय कम है, 71,557 आया है, उनको भी दीजिए और इनको भी लीजिए, दोनों को शास्त्र भेंट करने के लिए बुलाइए। आइए, 71,557 एक दो ढाई पड़े तीन निन्यानो, और दोनों के नाम तीन। क्या बात है, दोनों को ये सौभाग्य, क्योंकि धर्म में लड़ाई नहीं होना चाहिए, धन नहीं भाग्य जी। और जो पहली हाँ, पहले उनकी तरफ से बता दूं कि उन्होंने वही बताया है कि शास्त्र भेंट करने की बोली यहाँ वहां नहीं, भारत नहीं, न्यूजीलैंड पहुंची है। न्यूजीलैंड से पल्लवी जी ने मोबाइल पर कहा है, और इसीलिए हमने ये पार्टीशन भी कहा है कि उन्होंने कह दिया था चाहे कितने भी डॉलर लग जाएं, लेकिन यह अवसर मुझे चाहिए, इसलिए दोनों का अवसर दिया है। जोरदार तालियां दोनों परिवारों के लिए, पल्लवी जी पांड्या परिवार जो कि अब मैं पल्लवी न्यूजीलैंड जी, उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दूसरे परिवार हमारे हैं सौभाग्यशाली महावीर कुमार जी, संजीव कुमार जी बड़जातिया परिवार, मैं आवाज कलकत्ता, अशोक जी सुषमा जी पांड्या परिवार गिरिडीह से हमारे बीच में है, अशोक भी, अशोक जी सुषमा जी पांड्या परिवार, जिन्होंने आज तृतीय पाद प्रक्षालन का सौभाग्य पूज्यपाद के श्री चरणों में बैठने का प्राप्त किया है। अशोक जी सुषमा जी पांड्या गिरिडीह परिवार को आवाज। शास्त्र भेंट वाले दो हो गए हैं, 71 में और एक नाम चाहिए इसी राशि में, जिसकी भावना हो जल्दी हाथ ऊपर करे, शीघ्रता करे, समय कम है मेरे पास। आइए, मात्र 71,557 में एक नाम और चाहिए, शीघ्रता करें शास्त्र भेंट करने के लिए, जिनकी भावना हो जल्दी हाथों पर करें। भावना अगर आपकी बन रही है और नहीं तो उसे बनाने का प्रयास करें कि आज ऐसे अंतर्मना प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के हाथों में जिनवाणी भेंट करके पता नहीं मेरा भी कौन सा भाव सुधर जाए,
तो आइए नीचे वाले भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं बिना बोली के 71,000 रुपए की राशि निश्चित है। सुषमा जी पांड्या परिवार गिरडी से तृतीय पाद प्रक्षालन के लिए पहुंच रहे हैं बड़े आनंद के साथ, खूब आनंद की इस दिव्य यात्रा में हम सब आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। चरण कमल खिले खिले हुए हैं, बड़े सौभाग्य से गुरु मिले हैं। चरण कमल खिले खिले हुए हैं, बड़े सौभाग्य से गुरु मिले हैं। जिस धरा पे पग धरो वो तीर्थ से नतम, ऐसे हैं ये चरण। हे गुरुवर तुमको हो नमन 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 नमन। जिस धारा पे पग धरो वो तीर्थ से नकम, ऐसे चलिए आइए, समय कम है, गुरुदेव को भी सुनना है तो जल्दी से 71,000 रुपए। क्या बात, इतने सारे भक्त हैं, मुझे पता है कि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो अंतर मना गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो अंतर्मना गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं रखता। सबकी भावनाएं जरूर है कि हमें यह अवसर मिल जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ आपको भी करना पड़ेगा। थोड़ी सी लक्ष्मी का मोह छोड़कर एक तराजू में धन और एक तराजू में अंतर्मना को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य तोल कर देखिए। 71,000 रुपए की राशि निश्चित है, केवल एक नाम अंतिम, इसके बाद कोई करोड़ रुपए देगा तो भी अवसर नहीं मिलेगा। आज आज के लिए यह अंतिम अवसर है शास्त्र भेंट करने का, जिनवाड़ी भेंट करने का। तो जगा लीजिए सौभाग्य भाग्य, और दान देने से आज तक कोई भी गरीब नहीं हुआ है, जिसने जितना दान दिया है उतना आगे बढ़ा है। तो आइए आज अपने धन का परिशोधन कर लें, उसे स्वच्छ कर लें, ये दान देकर ये पुण्य कमाकर। और चलते हैं शास्त्र दान का सौभाग्य जी। नाम आ गया है जी, प्रथम बोलिए साहब, ये नाम आया है शास्त्र भेंट में, परम गुरु भक्त दानवीर श्रेष्ठी श्री धन कुमार जी, संजय कुमार जी, सुजीत कुमार जी छावड़ा गुवाहाटी परिवार। एक बार जोरदार तालियां, पूरा हिंदुस्तान यहां एकत्रित हो रहा है। अरे आप तालियां में कंजूसी ना कीजिए, अनुमोदना कीजिए कि ऐसे सौभाग्य जिन्हें मिल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने सर्वप्रथम सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान संजीव कुमार जी, रेखा जी, संदीप जी, साधना जी, बरजात क्या कलकत्ता परिवार को बहुत सौभाग्य के साथ आवाज लगा रहा हूँ कि आकर के पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद शास्त्र दान करने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। संजीव जी, रेखा जी, संदीप जी, साधना जी, बरजात क्या कोलकाता परिवार श्रीफल भेंट करके पूज्यपाद के श्री चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद शास्त्र के सुहस्त हाथों में दें ताकि वे पूज्यपाद के अमृत मई हाथों में मां शारदे को भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अरे आए हैं हम करते नमन, श्रद्धा से गुण गाते हैं। आए हैं हम करते नमन, श्रद्धा से गुण गाते हैं। जिनवाड़ी जग मैया जन्म दुख भेंट दो, आइए ताले के साथ। जग मैया जन्म दुख भेंट, जन्म दुख भेंट दो, मरणी दुख भेंट दो, जन्म दुख भेंट दो, मरणी दुख भेंट दो। जिनवाड़ी जग मैया जन्म दुख भेंट दो। हर जन्म में जिनवाणी का साथ हो, तेरे ममता के आंचल में मेरी सुबह हो शाम हो। हर जन्म में जिनवाणी का साथ हो, तेरे ममता के आंचल में मेरी सुबह हो शाम हो। बोलिए द्वादशांक जिनवाणी माता की। हो तुम को पाऊं, तुम को ध्याऊं,
मेरे इस जीवन में इसी तुमको संदर्भ में हो तुमको पाऊं तुमको ध्याऊं मेरे इस जीवन में। श्रीमान पदम कुमार जी कमला जी जैन परिवार गुड़गांव द्वितीय शास्त्र भेंटकर्ता के रूप में हमारे बीच में है। मैं बहुत सौभाग्य के साथ उनको आवाज लगा रहा हूँ कि वो आएंगे और पूज्यपाद के पवित्र सुहस्त हाथों में शास्त्र भेंटने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान करुणा सागर ज्ञान उजागर करुणा सागर ज्ञान उजागर हर दो मेरी गागर हर जन्म में हर जन्म में जिन वाणी का साथ हो तेरे ममता के आंचल में मेरी सुबह हो शाम हो हर जन्म में। प्रदीप जी तीसरा नाम और तीसरे छाबड़ा परिवार गुवाहाटी छाबड़ा परिवार गुवाहाटी को बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहे हैं कि वो आए और शास्त्र भेंट करने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त करें। भैया तो पावन हो गई आत्मा पावन हो गई आत्मा आज मिले परमात्मा बहिना तम को छोड़कर निकली ये अंतर आत्मा मन भाने तू गायरा पावन हो गई आत्मा। चलते हैं माँ शारदे को सुहस्त हाथों में भेंट करने का सौभाग्य तीन सौभाग्यशाली परिवारों ने प्राप्त किया है और इस संदर्भ को यहीं विराम देकर के हम सब आगे बढ़ते हैं और मैं छोटी सी बालिका वीणा सेठी को आवाज लगा रहा हूँ। पूज्यपाद के मंगल देशना को हम प्रारंभ करें उसके पहले मंगलाचरण के रूप में राजकुमारी बालिका वीणा सेठी आकर के मंगल भावनाओं के मंगलाचरण के साथ इस सभा को आगे लेकर के चल रही है। छोटी सी राजकुमारी वीणा सेठी एक बार जोरदार 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 तालियों के साथ आप बालिका के मान वर्धन को महिमा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे जोरदार तालियों के साथ। और बाकी सभी लोगों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि यथाशीघ्र अपने स्थान पर बैठ करके मंच को गौरव और गरिमा देने में हमारा सहयोग करें। सभी लोग यथाशीघ्र बैठेंगे और बालिका के साथ हम सभा को आगे लेकर के चलते हैं। आइए साउंड प्ले करें। Thank you.
छोटी सी बालिका ने बहुत सुंदर मंगलाचरण के साथ सभा को आगे बढ़ाया। पुष्पा जी एक प्रसिद्ध दानदाता समाज सेवी के रूप में जो सिद्धायतन से जुड़ी हैं, ये उनकी पोती होने का गौरव प्राप्त करती है। जोरदार जोरदार तालियों के साथ इसी संदर्भ में मैं श्रीमान राजकुमार जी कोठारी साहब को आवाज लगा रहा हूं कि वे आए और गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें और सिद्धायतन का पूरा मंदिर जिनके कुशल निर्देशन में, जिनकी सूझबूझ में, जिनके वास्तु के छोटे छोटी सी चीजों को ध्यान रख करके बनाया गया है, ऐसे श्रीमान राजकुमार जी कोठियारी साहब हमारे बीच में हैं। पूज्यपाद के श्री चरणों की वंदना श्रीफल भेंट करके कर रहे हैं और आदरणीय संतोष भाई साहब और उनकी पूरी जब्बो टीम उनके सत्कार की दिव्य यात्रा को पूरा कर रही है। राजकुमार जी कोठारी। तो गंगा मेरी मेरी गुरुवाणी में बहती है, गंगा मेरी मेरी गुरुवाणी में बहती है, वो गंगा मेरी मेरी गुरुवाणी में बहती है, जिन वाणी वाणी गुरुवाणी में बहती है, जिन वाणी वाणी गुरुवाणी में बहती है। गुरुवाणी में बहती है, जिन वाणी वाणी गुरुवाणी में बहती है, तो जिन वाणी वाणी गुरुवाणी में बहती है। मिश्री जैसे हेलो 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 चलते हैं जैसे चलते हैं पूज्यपाद के श्री चरणों की वंदना करते हैं और जिस स्वर्णिम पल को सभी चातक की भांति निहार रहे हैं वो स्वर्णिम पल आ चुका है जब हम पूज्यपाद की मंगल देशना का अमृत लाभ ले सकें। और विश्वास करना मित्रों, प्रवचन करना या उपदेश देना केवली होने के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम जब केवली का वैभव पढ़ते हैं तो उसमें मूक केवली नाम के केवली होते हैं जो बिना उपदेश दिए ही केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मौन के बाद मुखर होकर वे हम सबको धर्म का, ज्ञान का और जीवन को अच्छा बनाने का मार्ग बता रहे हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़िए, अपनी रीढ़ को सीधा कीजिए और मेरे साथ नमोस्तु निवेदन के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, जन जन की तरफ से, मन मन की तरफ से हर व्यक्ति आपके श्री मुख से अमृतवाणी का लाभ प्राप्त करें, ऐसी भावना है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 9:61 हो रहे हैं।
हेलो 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 मात्र 20 मिनट बोलूंगा पंडित जी, दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें, करें प्रभु का सुमरण यानी कि मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् पुष्पिदन्ति कोणितो नमो तजनी को अज्ञान दुवासी सुवहे मुझे करो आत्मिकल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप सब हैं। अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। पांव छोटे छोटे हैं पर पारसनाथ टोंक तक जब एक एक कदम चलते हैं तो पारसनाथ टोंक तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जिंदगी में हिम्मत से हारना पर हिम्मत नहीं हारना। पूरी चैतन्यता के साथ अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु स्वामी की, भगवान चंद्र प्रभु शांतिनाथ नेमीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की, परम पूज्य उत्कृष्ट सिंह निष्कृत के धारक अंतर्मना आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज की, महाराज की। चल रहे सिद्धायतन की इस महामहोत्सव के दरमियान परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की उपासना, एक पत्थर को परमात्मा बनाने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हुए। अभी छुल्लक श्री सह सागर जी महाराज साहब कितनी प्यारी बातें बोल रहे थे और बाकी में बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, सुन के हंसी भी आती है। जब उन बातों को अनुकरण करने की बात आती तो कान गर्म हो जाते हैं और मन सहर उठता है। और हमने अनुभव किया इस 35 साल की जिंदगी में कि जो शब्द सत्य सत्संग हमारी बुद्धि को स्पर्श करते हैं उनसे कोई परिवर्तन नहीं आते हैं जिंदगी में। जो शब्द सत्य सत्संग हमारी बुद्धि का स्पर्श करते हैं उनसे जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और जो शब्द सत्संग हमारे दिल को स्पर्श करते हैं उनकी जिंदगी में ही परिवर्तन आता है। इसका मतलब है कि हम बुद्धि से ही सुनते हैं, हमारी वो बातें अंदर तक नहीं पहुंच पाती हैं, और सिर्फ हम सुनते ही हैं
चुनते कहां, चुन कहां पाते हैं। और बाकी में जितना दिगंबर जैन समाज धर्म धन पूजा पाठ करता है उतना कोई दूसरा समाज नहीं करता होगा, लेकिन जितना दिगंबर समाज अधर्म करता है उतना दूसरा कोई भी नहीं करता होगा। हमारी सारी क्रियाएं भावान बुद्धियात्मक होती, भावनात्मक होती ही नहीं है। हम जो सुबह की पूजा पाठ पढ़ते हैं, 2008 से हमारी उस सुबह की पूजन चल रही है। हमने कभी अपने उस भगवान की भक्ति, क्योंकि हम लोग के मूलगुण में एक आता है स्तुति, रोज तीर्थंकरों की स्तुति करना, भाव पूजा करना। यदि श्रावक द्रव्य पूजा नहीं करता भाव सहित तो वो दो कौड़ी का है। और जो मुनि भाव पूजा भगवान स्तुति नहीं करते वो मुनिराज उपाध्याय आचार्य भी दो कौड़ी के हैं। पंडित जी साहब ने अपने घर में चैत्यालय बना के रखा है, छोटा सा सुंदर सा बड़ा भव्यतम चैत्यालय। रोज बिना अभिषेक के तो पानी का घूट भी नहीं पीते, रोज अभिषेक पूजा पाठ करना ही, डेढ़ दो घंटे की शांति धारा रोज करना है। क्यों? खुद को करने से ही खुद को फल मिलेगा। कितने सारे लोग इस सभा सदन में बैठे हैं, कितने लोग रोज अभिषेक करते हैं अपने, मुझे मत बताओ हाथ धो के, आप खुद अपने मन से पूछना। बोलना पड़ता भैया अभिषेक करते नहीं महाराज, टाइम नहीं मिलता है। तुम्हारे पास टाइम है पाप करने के लिए, तुम्हारे पास टाइम है संसार के हर कृत्य करने के लिए, शादी में जाने के लिए, मरने में बैठने के लिए, पर अच्छे कार्यों के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं होता है। हमने कहा ना, बस इस सूत्र को आज याद यहां से लेके जाना कि जो शब्द सत्संग हमारी बुद्धि का स्पर्श करते हैं उनसे जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप रोज न्यूज़पेपर अखबार पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं अशोक बाबू उसमें बड़ी बड़ी घटनाएं लिखी होती हैं, बड़े बड़े कांड लिखे होते हैं, तुम प्रसरसरी निकाल पढ़ लेते हो पेपर, 16-20 पेज का पेपर तुम्हारे आधे घंटे में बेकार रद्दी हो जाता है। पेपर सिर्फ बुद्धि की खुजलाहट के लिए पढ़ा जाता है, और वही तुम शास्त्र खोल के पढ़ो तो शास्त्र पढ़ने से हृदय परिवर्तन होता है। पेपर न्यूज़पेपर पढ़ने से कोई परिवर्तन, सिर्फ बुद्धि उससे खुश होती कि यार वहां ऐसा होगा, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। निवेदन कर रहा हूं, आज तक इतिहास साक्षी है, इतने पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोग रोज पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आज तक किसी को पेपर पढ़ते पढ़ते बैराग नहीं हुआ। और किसी को यदि कोई किसी को पता हो और हो गया हो अभी मैं उसको घड़ी नाम में दे दूंगा, एक भी बंदा। लेकिन हम हजार आपको उदाहरण दे सकते हैं जिनको स्वाध्याय करते करते बैराग हो गया, जिनको मेरी भावना पढ़ते पढ़ते जीवन की असलियत का बोध हो गया, जिनको आलोचना पाठ पढ़ते पढ़ते खुद के पापों का बोध हुआ और वो पुण्य की राह में बढ़ गए। सिर्फ क्रियाओं करने से कुछ नहीं होगा, पैसा इकट्ठा हो सकता है, टाइम पास हो सकता, पर जो मार्क्स मिलना चाहिए वो मार्क्स, कितने सारे लोग बैठे, कितने लोग दिल से मन से बैठे हैं, कुछ संतोष जी की लिहाज संबंध में बैठे हैं, कुछ लिहाज में आए, कुछ रिलेशन में बैठे हैं, कुछ मजबूरी में बैठे हैं, वो कुछ देखने के लिए आए हैं कैसा क्या चल रहा है। दिल से कौन लोग आए, कौन उत्साह जुनून के साथ आए, सिर्फ आने को आए हैं, सिर्फ रिश्ते मेंटेन करने के लिए, बाकी कोई धर्म से कोई संबंध नहीं है बाबू। इसलिए मैंने बोला ना कि अब हमको इन समाज के बड़े बड़े आयोजन बहुत दूर रहना, बहुत होना ही नहीं, असलियत को हमसे अच्छी दूसरा कोई जान ही नहीं सकता है। जो हो रहा है सिर्फ हो रहा है, पर हो कुछ भी नहीं रहा है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध इतना सा कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि धर्म करो मत, जो कर रहे हो वो नाटक है, और जो हो रहा है घट रहा है बस वही धर्म है। जो कर रहे हो अब मंदिर जा रहे हो धर्म नहीं है,
सहज जा रहे हो, जो क्रिया जो सहज हो रही है बस वही सहज क्रिया ही धर्म ध्यान समय। यदि मैं समय करने मजबूरी में बैठ रहा हूं मेरा जरा नहीं, वही उस क्रिया को नहीं आ रही, ये तो मेरा कृति कर्म है, ये तो मेरी क्रिया है, ये तो मेरी आय का साधन है, इसमें तो मुझे बैठना ही है, 100% मुझे पूरी निर्जरा का फल मिलेगा। और मजबूर में ठीक है चलो बैठ जाते आधे घंटे टाइम पास कर लेते, और आप भी एक दो माला फेर दो, वो एक माला भी तुम कहाँ ईमानदारी से फेर पाते हो। सामने मोबाइल रख ले तो देखा किसका मैसेज है, किसका टूटू बोल रहा है, यहाँ माला घूम रही है वहां मोबाइल में टूटू चल रहा है, हैं? तुम्हारी एक भी क्रिया में मन का उपयोग नहीं है, एक भी क्रिया में उत्साह नहीं है, सिर्फ तुम करने को सब कुछ कर रहे हो पर कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसलिए अपने आप के साथ धर्म धर्मात्म बोल करके अपने आप को चलो मत नहीं, पारे जैसी चमकीली उज्जवल थी आत्मा, उज्जवल थी आत्मा, जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, विकृत हुई आत्मा, रिचेतन सुन जल जल के राग द्वेष में विकृत हुई आत्मा, संबर से कर्मी को रोको कहे आत्मा, पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा, तुझे को जगाए रे भूल गया तू पथो अपना, बोध कराए पुकारे आज तुझे तेरी आत्मा। पत्थर एक बार मंदिर गया भगवान बन गया, पत्थर एक बार मंदिर गया भगवान बन गया, आदमी जिंदगी भर मंदिर गया इंसान नहीं बन पाया, आदमी जिंदगी भर मंदिर गया इंसान नहीं बन पाया। मेरे भारत देश में भगवान की कमी नहीं है, मेरे भारत देश में भगवान की कमी नहीं है, दिक्कत तो इंसानियत खोजने में है, दिक्कत तो इंसानियत को खोजने में कि एक इंसान कहां मिलेगा। टॉर्च लेके निकल जाओ, मुझे आचार्य श्री का वो शब्द कितने अंदर घुस गया सिद्धवरकोट का, जब गुरुदेव को जंगल करा के वापस गुरुदेव लौट के आए, गुरुदेव बैठे हम बगल में बैठे थे, गुरुदेव ने कहा ये सारा मेरी ओर का है, अभी तक टॉर्च का काम है सामने फोकस मारने का, अब टॉर्च के मुख को मोड़ दो खुद पर फोकस करो, बस एक शब्द ने जिंदगी की सारी उलझनों को खत्म कर दिया। अन्यथा हमारे पास सुविधा में कौन सी कमी थी, कौन से लोग देने वाले कम थे हमारे पास, लेकिन नहीं, वो उस एक लाइन ने मिनटों में बरसों बरसों की हमारी उन कमजोरियों को मिनटों में दूर कर दिया, जो हम बरसों से मौली बांधते थे, तिलक करते थे, यूं करते थे, वो करते थे, एक क्षण में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम उनमें लिप्त नहीं थे, सिर्फ भक्तों को खुश करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, बांधने के लिए बांधते थे। हमारा भक्त कहीं अन्य उस मिथ्यात में कहीं भटक ना जाए उस उद्देश्य से, और यही कारण कि आज तक कोई मेरी कमजोरी नहीं बन पाया। सिद्धवरकूट के बाद से हमने कभी फोन से बात नहीं की, वैसे भी बहुत कम करता हूं क्योंकि जिंदगी में इज्जत बचाना है, जितना कम फोन से संपर्क में रहोगे उतनी तुम्हारी इज्जत, अन्यथा आजकल हर चीज रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम कुछ भी बोलो वीडियो कॉल तो रिकॉर्डिंग, कॉल करो तो रिकॉर्डिंग, कुछ भी करो मैसेज भेजो तो वो सबसे आज मेरी फलाने से बात, आज मेरी फलाने चंद से बात, वीडियो अभी मैं तुरंत रिकॉर्डिंग भेजता हूं, अब तुम उसके बारे में क्या बोलो, वो उसने पूरी रिकॉर्डिंग तुम्हारे उसको वहां भेज दी। तो निवेदन कर रहा हूं
बरसों बरसों की इज्जत हमारी एक मिनट में खत्म हो सकती है, बरसों बरसों के संबंध हमारे मिनटों में खत्म हो सकते हैं, असलियत का बोध हो सकता है। मुझे लगा भैया इतनी मेहनत हम अपनी इज्जत को खराब करने के लिए नहीं, और आज की तारीख में कौन साधु संत नहीं करते हैं, 90% डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब लिप्त हैं, लेकिन मार्ग लिप्त होने का नहीं, मार्ग तो निर्लिप्त होने का है। जहां प्रोजेक्ट होंगे वहां लिप्त होना ही पड़ेगा, कोई भी हो, जहां प्रोजेक्ट 100% लिप्त होना ही पड़ेगा, बिना उसके कुछ भी होने वाला नहीं है। ये मार्ग खुद को निखारने का है, खुद को तराशने का है, खुद को बनाने का है, लोगों को बेवकूफ बनाने का मार्ग नहीं है। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, आपसे अनुरोध इतना सा कर रहा हूं, जो सत्य शब्द सत्संग बुद्धि को प्रभावित करते हैं वो चेतना को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, और जो शब्द चेतना को प्रभावित करते हैं वो पूरी जिंदगी की चुल्लगी। महाराज सामने कितनी प्यारी बात कही, देखो हमने जीवन में बहुत स्वाध्याय किया, बहुत सत्संग किया, बहुत गुरु की सेवा की, लेकिन 6 दिन में वो परिवर्तन आया कि आज मेरे हाथ पिछी कमंडल और 2 कपड़े आ गए। अब अभी तरुण भैया बोल रहा था ना कि मुख केवली, वो कुछ भी नहीं बोलते तब भी लोग उनको देख के सुन के देख उनको देख के सुन लेते हैं, उनको देख के लोग पढ़ लेते हैं। हम तो देख के भी देख नहीं पाते हैं, सुन के भी सुन नहीं पाते, हम तो देख के भी अंधे हैं और सुन के भी बहरे हैं। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, मैं बुरी लगने के लिए तो बोलता हूं कि कोई सब तुमको मेरा चुभे, एक्शन रिएक्शन तो होना ही चाहिए। यदि हम कोई बात बोल रहे हैं तो दंभ से बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उन सब विकृतियों से अब मुक्त हो चुके हैं। समय आपका पूरा हो रहा है, 50 सेकंड बाकी है, इतना ही नहीं, बस एक 50 सेकंड छोटी सी बात बोल के आप अपने आप को टटोलना कि तुम इसमें कहां उतर रहे हो। एक 2 मूर्तियां हमने मधुबन गेट पे रखी, एक मूर्ति रावण की है, एक राम की है। संतो जी मैं आपसे सहज एकदम सहज, चूंकि पास सामने बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपसे, संतो जी 2 मूर्तियां रखी हैं, राम रावण की, एक मूर्ति मेरे पास लेके आओ, किसकी लेके आओगे? स्वाभाविक है बच्चा भी बोल देगा महाराज जी राम की लेके आएंगे, इसका विपरीत पक्ष। अब आप अपने आप को टटोलना, अब हमने फिर 2 मूर्ति रखवाई है, रावण की मूर्ति सोने की है 100 किलो की है, और राम की मूर्ति पीतल की है 20 किलो की है, और मैंने कहा एक मूर्ति आप अपने साथ लेके जाओ, मैं हमने आपको दी, बस बोलो महावीर भगवान की, बस यही जीवन का सत्य है जो अंदर है दबा हुआ है। आज का प्रवचन समाप्त हुआ, बोलो महावीर भगवान की जी। अपनी बातें आचार्य भगवान श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान ने बहुत गहरी बात हम सबके आत्मनिरीक्षण के लिए छोड़ दी है कि आप अपने आप को टटोलें, आप कहाँ हैं, और सच में यदि हम अपने खोज पाएंगे, अपना परीक्षण निरीक्षण कर पाएंगे, तो ये पंचकल्याणक हमारे जीवन में एक आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा। इन सद्भावनाओं के साथ आदरणीय पंडित जी दोनों हाथों को जोड़िए, अपने शरीर को सीधा कीजिए, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुह धोक, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, 9 बार नमो का। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सिद्धायतन परिवार, सिद्धायतन मंदिर परिसर, श्री समेत शिखर जी रोड मधुबन, पोस्ट शिखर जी जिला गिरढ़ी, पिन कोड 825329 झारखंड, श्री रतन लाल जी, श्रीमती राज प्रभा जी, श्री अशोक जी,
श्रीमती ममता जी, श्री आदित्य जी, श्रीमती रिद्धिमा जी, आकाश जी एवं विशाल जी सेठी कोलकाता, आदिनाथ मंदिर के शिवमणि संरक्षक श्रीमान निर्मल जी, पुष्पा जी बिंदाए का बगरू, जयपुर निवासी कोलकाता प्रवासी।